पेयर हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे 3-4 करोड़ में, चले इंडियन करेंसी में वो 7-8 करोड़ रुपया हो गया, इंडियन करेंसी में और कम हो जाएगा, सॉरी और कम हो गया, ज्यादा कह रहा हूँ कम हो गया, और वही प्लेयर वो लोग 22-22 करोड़ 33 करोड़ में खरीदे ढाई महीने तक। बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट को आप टाटा बाबे बोलते, ढाई महीना नहीं पूरा साल आईपीएल हो, पूरा साल आईपीएल हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा शाहीन शाफरीदी को तो खिलाओ है, हमारे हारिस रऊफ को लो। आप इंडियन सराय पूछ रहे हो, जो क्रिकेट फैंस होंगे, जो क्रिकेट फैंस होंगे वो कहेंगे क्रिकेट होनी चाहिए, जो बीजेपी माइंडसेट रखते होंगे वो कहेंगे नहीं 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 आतंक गवा दिए, वो क्या कहते हैं आरएसएस माइंड को आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब तक ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है और बीजेपी की हुकूमत है उस वक्त तक तो पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो कांग्रेस की जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से वो खासी नर्म है। अरे 16 प्लेयर है ना, उसको आप आईपीएल में हर टीम में 2-2 लड़के करके डाल के देखो यार, अगर आप इस वक्त 1800 करोड़ बिजनेस कर रहे हो या 18000 अरब कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 36000 आ जाओगे, आपका आईपीएल को 4 चांद लग जाएगा, जैसे कहते हैं चांद नजर आ गया चांद रात। ये बुनियादी जो वजह अगर वन वर्ड में बयान की जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल क्यों नहीं खेलते, तो वो मुंबई अटैक है। तो सौरव गांगुली को समझता है कि एक बीजेपी का माइंडसेट है या एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते वो चाहेगा कि साउथ एशिया के अंदर क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए। पाकिस्तान भी ये अहलियत रखते हैं कि आने वाले 2 सालों में 2 टीमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंदाजा लगा ले कि मीडिया राइट्स अंदाजन कितने करोड़ों में बिके होंगे। सर उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से एक फुटबॉल लीग को भी पीछे छोड़ा है, उसका नाम इंग्लिश प्रीमियर लीग को उन्होंने पीछे छोड़ा है, दूसरे नंबर पे आई है। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है, उसको पीछे छोड़ दिया तो इसका मतलब 200-300 करोड़ तो जाहिर सी बात लगा ही होगा उनका। क्या 200-300 करोड़ ज्यादती है, ये भी आप कह सकते हैं ज़्यादा ही लगे होंगे उनके, क्योंकि वो जब 22-23 करोड़ का प्लेयर खरीद रहे हैं, अर्थ तो टच किया ही होगा उसने मीडिया का, उससे ज्यादा भी किया, कुछ कह नहीं सकते। पानी भाई आपके तोते उड़ने वाले हैं, आपने 1000 करोड़ कह दिए, जो ओरिजिनल वैल्यू ना आपको मैं 48,000 इंडियन करोड़ के अंदर, मतलब 48,000 करोड़ इंडियन रुपीज के अंदर खरीदे मीडिया। पाकिस्तानी 1,00,000 करोड़ रुपया हो गया, पाकिस्तानी 1,00,000 से भी ज्यादा हो गया, 1,20,000 करोड़ के 20,000 करोड़ के करीब। जहीन वंदे मातरम, हिंदुस्तान लेटेस्ट में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल में अपने खिलाड़ी को नहीं खिलाने पर भारत को जमकर कोस रहा है और भारत को कह रहा है कि आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, और आईपीएल के मीडिया राइट देखकर उसकी पूरी तरह से आंखें फटी फटी रह गई है। तो देखते हैं आज की वीडियो। क्रिकेटर जो हैं वो T20 के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, ऐसी क्या वजह है कि वो आईपीएल में शामिल नहीं है या आईपीएल क्यों नहीं खेलते? ये बुनियादी जो वजह अगर वन वर्ड में बयान की जाए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल क्यों नहीं खेलते, तो वो मुंबई अटैक है। मुंबई अटैक के बाद ही ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेले और ना ही पाकिस्तान और भारत की कोई सीरीज हुई, ना पाकिस्तान भारत किया ना भारत पाकिस्तान आया, तो इस तरह मुंबई अटैक की वजह से नुकसान उठाना पड़ा दोनों ममालिक की क्रिकेट को, और जो क्रिकेटर्स क्रिकेट लवर थे वो बड़े मायूस हुए। भारत का आपको पता है कि वो इंतहा पसंदी पर यकीन रखते हैं और बड़े एग्रेसिव होते हैं, उन्होंने वो सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला मुंबई अटैक का, और क्रिकेट को जो है वो उसका मर्डर कर दिया। तो डेफिनेट नहीं होना चाहिए था, अगर आज भी हालात बेहतर होते और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो आईपीएल खेल रहे होते तो आईपीएल के मियार में और इजाफा होता, आईपीएल की व्यूअरशिप और ज़्यादा बढ़ती, पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना नुकसान हो पाएगा पहले से ही, मतलब ये सिलसिला तो 2-3 सालों से जब भी आईपीएल होते कोई बड़े मैचेस नहीं होते। पाकिस्तान को तो इंशाल्लाह कभी झटका, जब इतने बड़े बड़े बुरे हालात से पाकिस्तान निकल गया तो ये क्या है, 2.5 महीने कुछ भी नहीं है, यहाँ तो 10-12 साल क्रिकेट बन रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की टीम नंबर वन पर आ गए, उनके खिलाड़ी नंबर वन पर चले गए। लेकिन ये है कि अब इंडिया देखो इन्वेस्ट करता है, सबको पता है क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया की है, और लाजमी बात है तमाम क्रिकेट बोर्ड जो इंग्लैंड है, मैंने ये कहा ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये इनसे फुल फ़ायदा उठा रहा है, क्या कि इन्वेस्टमेंट इंडिया की हो मज़े हम लें, बड़े टूर्नामेंट में आप आ जाओ सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया की होती है, मज़ा कौन लेकर चल जाता है, इंग्लैंड लेकर चल जाता है, ऑस्ट्रेलिया लेकर चल जाता है, आप इनके देखो ना सारे जो मेन ये सारा मज़ा ये लेकर चल जाता है। आईपीएल ही होगी 2.5 महीने तक, बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट को आप टाटा बाबे बोलते हैं, आराम से जितने भी बड़े प्लेयर हैं जितनी भी बड़ी टीमें हैं उनके प्लेयर आईपीएल खेलेगी, आईपीएल एंजॉय करें, इंटरनेशनल मैच आप नहीं खेलें, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर का क्या होगा? 2.5 महीने नहीं पूरा साल आईपीएल हो, पूरा साल आईपीएल हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा शाहीन शाफरीदी को तो खिलाओ हैं, हमारे हारिस रऊफ को लो, फ़खर जमान को लो, हमारे जो इतने इतने अच्छे बैट्समैन, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी टीम को जो है मशहूर करो, इसलिए नहीं, आपका आईपीएल को 4 चांद लग जाएगा।